हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 31 जुलाई 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज पेपर और पीबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज 11 बजे, सुबह 11 बजे जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, मतलब 7 महीने का। तो जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे SSC MTS का भी एग्जामिनेशन होने वाला है वो हो, या ग्रुप डी या NTPC या कोई भी UPSC, तो उसमें आपको बहुत मददगार होगा, आप जरूर देखना। तो आज का क्वेश्चन है जो बहुत बर्निंग टॉपिक है, डोपिंग टेस्ट में नाकाम रहने के कारण BCCI ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को कितने महीने के लिए क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है? इसका आंसर होगा 8 महीने। ओके, लेकिन ये जो निलंबन है वो पहले से ही प्रभावी माना जाएगा, मतलब 16 मार्च 2019 से शुरू हो चुका है और 15 नवंबर 2019 तक चलेगा। और इस दौरान पृथ्वी शॉ जो हैं सभी प्रारूप से क्रिकेट के निलंबित कर दिए गए हैं, वो खेल नहीं पाएंगे। देखिए, बैन शब्द का यूज़ तो नहीं है, सस्पेंशन शब्द का यूज़ है, लेकिन बैन ही माना जाना चाहिए उसको। ओके, हुआ ये था कि दरअसल BCCI ने 22 फरवरी 2019 को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान उनका यूरिन का एक सैंपल लिया था, तो उसकी टेस्ट हुई और उस टेस्ट के नमूने में टर्बुटेलाइन पाया गया और वो उसका सेवन जो है वो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है, ना तो खेल के दौरान, ना ही इससे पहले या बाद में उसका सेवन किया जा सकता है। तो BCCI ने ये अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि शॉ ने अनजाने में ये प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया और आमतौर पर खांसी की दवा के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, हालांकि इधर पृथ्वी शॉ ने भी सज़ा को स्वीकार कर लिया है। उसने कहा है कि खांसी के लिए कफ सिरप के रूप में लिया था उन्होंने, 19 साल के हैं। यहाँ मैं बता दूं कि शॉ के अलावा दो और खिलाड़ी हैं जिनका डोपिंग टेस्ट नेगेटिव आया है। तो कौन कौन है? तो विदर्भ के अक्षय दुलारवर हैं और राजस्थान के दिव्य गजराज। ओके, तो ये डोपिंग टेस्ट क्या है? आप में से कुछ को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूँ, थोड़ा लंबा ये टॉपिक चल रहा है इसलिए क्योंकि आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। दरअसल ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ जिसको खाने से कोई भी खिलाड़ी का स्टेमिना अचानक बढ़ जाए, और शॉर्टकट में कहें तो वो खेल के मैदान में अपने विरोधी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकता है, तो उसको कहते हैं डोपिंग। और कैसे होती है डोपिंग? मतलब कि कोई भी खिलाड़ी लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन में या पाउडर के रूप में उसे पानी में घोल कर ले सकता है, तो खाने पीने की चीज़ों के साथ भी लिया जा सकता है, तो उससे ये रिक्त डोपिंग हो गई। तो टेस्ट कैसे होता है? तो इन ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को पकड़ने के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है। तो किसी भी इवेंट से पहले या ट्रेनिंग कैंप के दौरान डोप टेस्ट में खिलाड़ियों का यूरिन का सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट नाडा या फिर वाडा, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उसकी तरफ से ये कराया जाता है। नाडा का लैब दिल्ली में है और वाडा का लैब तो पूरी दुनिया में कई जगहों पे है ना। तो इंटरनेशनल गेम्स में देखिए ड्रग्स का काफ़ी चलन बढ़ गया, उसके रोकने के लिए वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड में, तो उसी के बाद हर देश में नाडा की स्थापना की जाने लगी। तो इम्पोर्टेंट बात थी, चूँकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, और हो सकता है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जो भी बातें मैंने बताई उससे कई क्वेश्चन बन सकते थे, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वो भी बहुत हॉट टॉपिक है आज का। राज्यसभा ने 30 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पास कर दिया है, तो इसमें क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ओके, मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, लोकसभा से ये बिल पहले ही पारित हो चुका है और राज्यसभा में अब ये पारित हो गया, तो इसके साथ ही अब इसके कानून बनने का रास्ता बन गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही सिग्नेचर कर देंगे बिल पे, उसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। तो तीन तलाक बिल में क्या प्रावधान है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये अब एक्टिव हो रहा है। अब तक तो चर्चा ही चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, लेकिन ये कानून बन जाएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो इसके प्रावधानों में जैसे तुरंत तलाक यानी तलाक के बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बना दिया गया है, मतलब एक साथ तीन तलाक नहीं दे सकते हैं, तीन बार तलाक नहीं कर सकते हैं। तुरंत तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान रखा गया है, यानी पुलिस जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है आरोपी को। इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, अगर वो
पाया गया इसका दोषी। और ये संज्ञेय तभी होगा जब खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा संबंधी शिकायत करे। संज्ञेय का मतलब होता है नॉन वेलेबल। तो मजिस्ट्रेट जो है आरोपी को जमानत दे सकता है और ये जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा और पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट जो है समझौते की अनुमति भी दे सकता है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का भी दावा कर सकती है जिसका प्रावधान अब तक नहीं था। मेहर की रकम ही दे दी जाती थी, इसके अलावा उसको छोड़ दिया जाता था, तो अब ये भी रखा गया है। और ये जो रकम है वो मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित महिला जो है नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है और इसके बारे में फैसला मजिस्ट्रेट तय करेगा, सुनाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बिल है और मुझे लगता है कि अगले एग्जामिनेशंस में इस पर सवाल आने की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग मिला है? इसका आंसर होगा ओडिशा। आप सोच रहे होंगे पश्चिम बंगाल को भी तो मिला है। हाँ मिला है, लेकिन अभी ओडिशा को मिला है और उसका नाम है ओडिशा रसगुल्ला। ओके, उसके तर्ज पर उसके तौर पे प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और GI टैग क्या है? तो किसी भी वस्तु को किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशेष होने की मान्यता देता है ताकि वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, मार्केटिंग कर सके वो लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। BCCI ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की टीम को मान्यता दी है? इसका आंसर है चंडीगढ़। देखिए, पिछले 40 साल से चंडीगढ़ जो है चाह रहा था, मान्यता चाह रहा था, अब उसकी टीम को मान्यता मिल गई है। अब वो रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले सकती है चंडीगढ़ की टीम। इसके अलावा अब वो रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले सकती है चंडीगढ़ की टीम। इसके अलावा जो भी घरेलू प्रतियोगिताएँ होती हैं जिसका आयोजन BCCI करवाता है, तो उसमें भी चंडीगढ़ की टीम अब हिस्सा ले सकती है। तो एक सवाल आपसे, BCCI की स्थापना कब हुई थी? अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और CEO कौन है? दो सवाल है आपसे, मुझे लगता है आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि इसका PDF मिल जाए। हाँ, PDF मिलेगा आपको। वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो में ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है विदिशा बालियान। वो मुजफ्फरनगर की हैं, उत्तर प्रदेश की, 21 साल की हैं और वो ऐसी पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। डेफ मतलब बधिर, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं। ओके, तो वो एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं और ये जो इवेंट हुआ था अभी उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के एम्बोम्बेला में हुआ है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं, फेमस है इंडिया के तो एक व्यक्ति, सुदर्शन पटनायक इसका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखिए, अब खेलो इंडिया का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इसका आंसर है गुवाहाटी। और इस बार 10,000 से अधिक एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, खेल मंत्रालय यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का दायरा बढ़ा कर दिया है, जैसा मैंने क्वेश्चन के बाद बताया। और अब इन खेलों में दो श्रेणियों यानी अंडर 17 और अंडर 21 के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं और इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इन खेलों में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, इस बार ये उम्मीद की जा रही है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 23वें प्रेसिडेंट्स कप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल? इसका आंसर है मैरी कॉम। ओके, और ये आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के लाबुआना बजो में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंक को हराकर ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, 5वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 27 और 28 जुलाई 2019 को कहाँ पर किया गया, किस जगह पर? इसका आंसर है राजगीर, बिहार में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। ओके,
और आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिक जॉन रॉबर्ट शिफर का निधन 27 जुलाई 2019 को हुआ है, तो उनकी किस थ्योरी की वजह से उन्हें 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला था? इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे वो। इसका आंसर है सुपर कंडक्टिविटी। उनको अकेले नहीं मिला था इस काम के लिए, उनके साथ साथ जॉन बर्डिन और लियोन कूपर को भी ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का। और सबने एक साथ मिलकर BCS थ्योरी को विकास करने में, भौतिक विज्ञान में संयुक्त रूप से काम किया था, तो संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला था। और सुपर कंडक्टिविटी की पहली सफल माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ये मानी जाती है उन लोगों की। ओके, तो दोस्तों ये था 31 जुलाई 2019 का इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस। और अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मेरे बगल में है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय।